तमाम ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए आवाज़ इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। बुरहानपुर बना मध्य प्रदेश का पहला जिला, 75 अमृत सरोवर तालाब बनाने का लक्ष्य हुआ पूर्ण। ग्रामीण क्षेत्रों में बनेंगे रोजगार, 75 अमृत सरोवर तालाब का लक्ष्य पूर्ण करने वाला। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि बुरहानपुर मध्य प्रदेश का पहला जिला बना। दरअसल आजादी के अमृत महोत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक जिलों में 75 अमृत सरोवर तालाब बनाने का आह्वान किया था। उनके मनसा अनुरूप समय से पहले यानी बारिश के पूर्व में यह लक्ष्य पूरा करने वाला बुरहानपुर मध्य प्रदेश का पहला जिला बन गया है। इन अमृत सरोवर व तालाबों की क्षमता 13 लाख घन मीटर है। अमृत सरोवर तालाबों में मछली पालन, सिंघाड़ा उत्पादन से ग्रामीणों को रोजगार भी मिलेगा, साथ ही सिंचाई के लिए जल उपलब्ध होकर भूमिगत जल स्तर भी बढ़ रहा है। आपको बता दें कि जब मुख्यमंत्री से शिवराज सिंह चौहान बुरहानपुर के गोद में पहुंचे थे, तब उन्होंने 75 अमृत सरोवर बनाने का आह्वान किया था, जिसके बाद इसका निर्माण कार्य 30 मार्च 2022 से शुरू होकर 30 जून को समाप्त कर लिया गया था। वहीं दूसरे मामले पर कलेक्टर प्रवीण सिंह ने कहा कि हमने एक टीम वर्क के रूप में कार्य किया और इससे सभी का हमें सहयोग मिला, जिसके चलते यह लक्ष्य पूर्ण कर पाए हैं। जल शक्ति मिशन के तहत अमृत सरोवरों का निर्माण करने में मध्य प्रदेश में बुरहानपुर सबसे पहला जिला है, तो ये अभियान किस तरह से आपने पूरा किया इस टास्क को? देखिए, जब हमारे यहाँ जल जीवन मिशन के तहत बुरहानपुर पहला जिला बना था, जिसमें सभी ग्रामीण घरों में हम लोगों ने जो है नल कनेक्शन उपलब्ध करवाए थे, लोगों को पीने का पानी पहुंचाया था, उसका एक बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर खड़खोद में हुआ था। 30 मार्च 2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें आए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी उस कार्यक्रम में बुरहानपुर की जनता से वादा लिया था कि क्या बुरहानपुर ऐसा पहला जिला बनेगा जो माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आजादी के 75 वर्षों के उपलक्ष्य में सबसे पहले 75 अमृत तालाब जो है बनाएगा। और मुझे ये बताते हुए हर्ष है कि लगभग 3 महीने के समय अवधि में हम लोगों ने लगातार काम किया। मेरे नीचे जो है पूरी ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव, पूरा ग्रामीण विकास का अमला, जिला पंचायत के लोग, हमारे सभी जनप्रतिनिधि, मीडिया के साथी, सब लोगों ने टीम के रूप में काम किया था। हम लोगों ने रिकॉर्ड समय में 75 अमृत तालाब जो है बना के पूर्ण किए और इन 75 अमृत सरोवर में 13 लाख घन मीटर जल जो है उसका भराव होगा और इन तालाबों से आसपास की सिंचाई की क्षमता तो वृद्धि हो ही रही है, साथ ही साथ वहाँ पर मछली पालन, सिंघाड़े की खेती और दूसरे सारे तमाम चीज़ें हमने करी है। और इस बार 15 अगस्त को सभी 75 अमृत तालाबों पर हम लोगों ने ध्वजारोहण भी किया था ताकि लोगों को ये याद रहे कि ये तालाब जो है आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर बनाया गया था, इसको हमको संभाल के रखना है, सहेज के रखना है। तो बुरहानपुर जिले में आगे भी हम लोग लगातार जो है और तालाब के लिए साइट्स ढूंढ रहे हैं और भी जितनी जगह आती जाएगी हम लोग वहाँ पर लगातार तालाब का काम करते जाएंगे। तीस मार्च दो हजार